हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मालूम ही है कि मैं अमृतसर आई हुई हूँ, तो सभी गुरुद्वारे घूम रही हूँ और सभी जगह में घूम घूम के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अब दरबार साहब, मतलब गोल्डन टेम्पल, मतलब हरमंदर साहब के अंदर जा रही हूँ। तो आप लोगों को अंदर का व्यू जितना दिखा पाऊँगी दिखाऊँगी। वैसे गर्भगृह में तो वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते हैं अंदर, लेकिन अगर कोशिश करूँगी अगर बन सकेगा, लेकिन वैसे मैं अंदर का आप लोगों को गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं बनाऊँगी अंदर का। मैं सिर्फ बाहर का ही बनाऊँगी, जितना मैं बना पाऊँगी बनाऊँगी। और चलिए अब चलते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कितनी संगत है, सरोवर है, सब कुछ दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये भी एक गुरुद्वारा है बाबा अटल जी का, उसके पास की रौनक है। ये देखिए, ये गुरुद्वारा है, सब आ जा रहे हैं मत्था टेकने शाम के टाइम। और ये जूता घर है, हर गुरुद्वारे के पास में आपको शू हाउस मिलेगा, जहाँ पर अपने चप्पलें जूते हम जमा करवा देते हैं और टोकन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वापसी में हम टोकन देके जूते चप्पल ले सकते हैं। ये देखिए बाबा अटल जी का गुरुद्वारा है, उसके आसपास की ये रौनक है। काफ़ी रश रहती है हर वक्त, इसी तरह से 24 घंटे इसी तरह से यहाँ चलता है। ये देखिए यहाँ पानी की सेवा हो रही है, ये 12 महीने 24 घंटे ये पानी की सेवा चलती रहती है। और पानी चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, यहाँ हर समय आपको पानी पीने को मिलेगा। रास्ते रास्ते में है, ये एक ही जगह नहीं है, ये हर जगह को थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको पानी पीने को मिलेगा। मैं भी जाके पानी पी लेती हूँ, मुझे भी प्यास लग रही है। देखिए सरोवर, गोल्डन टेम्पल के अंदर का सरोवर, और कितनी रश है, देखिए रश देखिए। स्वर्ण मंदिर देखिए क्या खूबसूरत चमक रहा है। ये देखिए हम लोग गुरुद्वारे से भी निकले हैं और यहाँ आकर कढ़ा हुआ दूध का मज़ा ले रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि दूध का मज़ा हम लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ऊपर मलाई है, केसर है,
और बहुत ही स्वादिष्ट दूध है, तो मैं दूध पी रही हूँ यहाँ। वैसे तो मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन पंजाब में आके अगर दूध नहीं पिया तो क्या पिया। इसलिए बहुत ही टेस्टी कढ़ा हुआ दूध है और बहुत ही मज़ा आ रहा है पीने में। सिप ले लेके पी रही हूँ, बहुत गर्म है तो मैं इसे पी रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो ठीक है, मैं पी के दूध फिर मिलती हूँ आपसे। अब हम लोग घर आ गए हैं, थक गए हैं बहुत, और मैंने गुरुद्वारे में आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ और दुआएं मांगी हैं, और वाहेगुरु जी से यही कहा है कि आप सभी को सर उनके हक की खुशियाँ दीजिए और सब लोग बहुत अच्छे से रहें। और हम आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।